हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि ये डीएफ यूरिया का जो इंजेक्टर रहता है वो कैसा रहता है दिखने में। तो गेयरबॉक्स उतारा हुआ था तो सोचा कि इसको भी दिखा दूँ अपने फ्रेंड्स को। सो फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस टाइप से खुलता है। ये इसका इंजेक्टर है एग्जॉस्ट का। देखिए इसमें पिन भाग है, उल्टा पुल्टा भी ठीक ही नहीं है, जैसा बैठना वैसे ही बैठेगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जॉस्ट पाइप है, अंदर तो कुछ दिखाई देगा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये यूरिया का इंजेक्टर है। यहाँ एयर और यूरिया मिक्सिंग होकर ये इंजेक्टर से स्प्रे करती है। सो फ्रेंड्स, इसको क्लीन करके बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। इसका ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का है आइटम, उतना वेट नहीं है जैसा अपना नोजल रहता है वो वैसा नहीं है, हल्का है, एल्यूमिनियम टाइप का ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ कि ये है कैसा एक्चुअल दिखने में। सो फ्रेंड्स, जैसे देख रहा है इसको क्लीन कर लिया मैंने, अभी देखिए ये है यूरिया का इंजेक्टर, डीईएफ का कुछ इस टाइप का रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइप वीडियो लाता ही रहता हूँ ओनली फॉर न्यू मॉडल के लिए, स्पेशली टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, भारत बेंज, यही सब के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसको मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं। सो अपना फ्रेंड्स को दिखाने के लिए खोला हुआ था। सो फ्रेंड्स, 40 का स्पिनर लगता है इसमें इसको खोलने के लिए। सो इसको मैं लगा देता हूँ अभी, पहले दिखा देता हूँ अंदर में कुछ तो है, कुछ है क्या। सो जैसे देख पा रहे अंदर तो अभी कुछ है नहीं। जैसे इंजेक्टर ख़राब होगी तो इसका होल बड़ा होगा तो क्या होता है, यूरिया पूरा अंदर एग्जॉस्ट में जम जाती है, मेटल की तरह पत्थर जैसा बन जाता है। सो अभी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें, तो इसको बिठा देता हूँ। इसका बिठाने का सही तरीका क्या है देख लीजिए, ये उल्टा पुल्टा तो बैठेगी नहीं, इसका जो भाग है ये देखिए घुमा के अपना ग्रुप में अपने बैठ जाएगी ये। सो फ्रेंड्स, उसके बाद इसको नट को लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं यूरिया का इंजेक्टर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जैसा मिलता है वैसा सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ ओनली फॉर न्यू मॉडल के लिए। तो इसको मैं टाइट कर लेता हूँ पहले, तो उसका पाइप लगा, यूरिया का पाइप लगा के बताता हूँ। सब दिख पा रहे हैं, टाइट कर रहा हूँ ये। सो फ्रेंड्स, ये टाइट हो चुका है अभी। अभी यूरिया का पाइप ऊपर से लगती है, पाइप भी प्लास्टिक का रहता है क्योंकि जो लोहा का सामान है इसमें यूज़ नहीं होता उतना, क्योंकि यूरिया और लोहा का मैच नहीं होता है, वो जमने का चांसेस रहता है ज़्यादा। तो ये एल्युमिनियम का पूरा है, यूरिया और लोहा का मैच नहीं होता क्योंकि लोहा मिलने से यूरिया जम जाती है ठंडा रहने से। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।